नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और इस YouTube चैनल में मैं आपको जो अपने अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव बता रहा हूँ, तो आज मैं आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हमारे। और देखिए, एक फिल्म आई थी 300, हॉलीवुड की बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है ये। तो इसमें क्या है कि केवल 300 योद्धा, जो यूनान के जो 300 योद्धा है, वो एक ऐसी सेना से लड़ाई करते हैं जिसमें सैनिकों की संख्या करोड़ों में थी। जी हाँ, और ये बहुत ही शानदार फिल्म है। और इसके क्या मतलब इसमें ग्राफिक्स और क्या फोटोग्राफी और क्या शानदार मतलब इसके कलर्स, ऐसे फिल्म थी शानदार। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी। और मैं तो हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखता हूँ, हिंदी में जो डब आती हैं उनको बहुत देखता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बहुत पहले की फिल्म है 300। तो देखिए, इसमें केवल 300 योद्धा इतनी बड़ी सेना से मुकाबला करते हैं। अब देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये है कल के अवतार का यूट्यूब चैनल। जी हाँ, और इसमें क्या है कि ये तमाम आत्मबल से अगर लड़ा जाएगा तो इसमें हथियार क्या होंगे? देखिए, इसमें हथियार होंगे भक्ति, तपस्या, प्रेम, भाईचारा, ज्ञान और एकता। जी हाँ, और योग तो है ही। मैंने एक बार कहा था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे हजारों लाखों शिष्य नहीं चाहिए, और मुझे तो बस 100 ऐसे मतलब है ना, जो सच्चे भक्त मिल जाए वही काफी है और इस संसार को बदलने के लिए। ठीक है ना, तो मैं संसार को बदलने की बातें तो नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो सारा का सारा जो भगवान कल्कि अवतार का की लीला है संसार, तो इसमें सारे संसार में मतलब धर्म को फैलाने के लिए। अब यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है कि आप समझ लो कि यार वो रिलीजन नहीं, धर्म के मतलब वो रिलीजन नहीं है। और धर्म का मतलब तो होता है यूनिवर्सल। जी हाँ, जो ईश्वर अल्लाह गॉड जो एक है ना, उसकी बात है ये, किसी रिलीजन की बात नहीं है। 3,000-5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले देखिए आप क्या था सारे संसार में, धर्म के नाम पे क्या था, आप देख लीजिए क्या था। तो धर्म कोई अभी की चीज थोड़ी है, धर्म तो अनंत काल से चला है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, ये जो कल्कि अवतार के बारे में मैं वीडियोस बना रहा हूं ना, तो इन वीडियोस में मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो सब यूनिवर्सल है। और आने वाले समय में मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे एक एक वीडियोस बना बना करके आपको धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैं मुझसे हो पाएगा। क्योंकि देखिए, ये उस अनंत को शब्दों में समेटने का मतलब एक असंभव प्रयास है मेरा। तो अब ऐसा प्रयास क्या है कि ना, जो इतना मतलब मुश्किल हो सकता है वो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, और मेरी बातें कितनी समझ में आ रही है आप लोगों को मैं नहीं कह सकता। और रही बात सच्चे और झूठे होने की, तो बस वो तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पहले कि सभी झूठ सच बनते गए, देखिए आप मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो भैया, अगर झूठ भी अगर बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो भविष्यवाणी बनेगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बचपन से लेकर के आज तक जितने भी हमने झूठ बोले ना, अगर आप ध्यान से कभी एकाग्र होकर के चिंतन करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इस ईश्वर की लीला में वो सब भविष्यवाणियां बन गए और हमारी जिंदगी में दोबारा से घटित हुए। ये एक ऐसा चमत्कार है भगवान कल्कि अवतार का जिसमें झूठ का नामो निशान नहीं है। जी हाँ, जो कुछ भी है या तो वो सत्य है या फिर वो भविष्यवाणियां हैं।